ओके सो हेलो फ्रेंड्स, का फिर से मुझे सुन रही हो? आज मैं कहने, तो गाइस मैं पहले बताना चाहता हूँ कि भाई मेरे मेरी ओट कट गई है। यस, जिसको नहीं पता, यूपी की साइड इसको बोलते हैं ओट पे पक जाना। सिंपली मेरे छाले पड़ गए हैं, तो इसकी वजह से मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा। तो प्लीज़ इस वीडियो के अंदर एक्स्ट्रा गेम प्ले होंगे। आई एम रियली सॉरी, मेरे को डालने में मज़ा नहीं आता लेकिन छाले आ गए हैं। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कमेंट्री करने का। तो भाई देखते हैं भाई, डिसरप्टर सिक्स, यस हमारे गेम के अंदर आ चुके हैं डिसरप्टर सिक्स, जो कि तुम ऑलरेडी देख सकते हो यहाँ पर। ये रही डिसरप्टर। अब आखिर ये वेपन है क्या, तुम लोग पूछोगे। तो सबसे पहली चीज़, ये वेपन सिंपली यार एक रेडियस डैमेज देने वाला वेपन है, जैसे कि हमारा डिस्क लॉन्चर है। बट आखिर इसमें बेहतर क्या है और आखिर इसमें बकवास क्या है? सबसे पहली चीज़, इसकी स्पीड स्लो है। मैं तुम्हें ना सीधा बैटल में लेके चलता हूँ और तुम्हें समझाता हूँ कि आखिर ये है क्या। तो मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि इसकी स्पीड बहुत स्लो है, या इसकी स्पीड स्लो है, ये स्लोली स्लोली जाता है। आई गेस मैं करना की पूरी हिस्ट्री का ये सबसे स्लो वेपन है, जो कि जिसकी रेट ऑफ फायर बहुत मतलब स्लो है लिजिटली। और तुम्हें इसमें वन शॉट किल देखने को मिलता है। ये मोस्टली वेपन वन शॉट किल कर देती है सबको। ऑफकोर्स इसका फ्यूचर में एडवांस वर्जन आएगा एंड वो तो भयंकर भौकाल होगा। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं सीधा तुम्हें दिखाता हूँ आखिर मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो देखो, तुम लोग रेडी हो? 3 2 1, देख रहे हो स्पीड, गोली की स्पीड देख रहे हो? ये देखो, डैम भाई साहब, किल शॉट भी इससे फास्ट है। किल शॉट अगर रेडी, किल शॉट अगर डैश मारेगा ना, तो इससे पहले पहुंच जाएगा कहीं भी। तो या ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा है, लेकिन इसका फ़ायदा पता है क्या है? जब ये चलते चलते जाता है ना, जैसे कि देखो मैं अभी यहाँ मारूंगा, यहाँ पे देखना अब कितना सारा डैमेज लगा उसे। इसका पता है टोटल डैमेज? अभी तुम वीडियो को ना पूरा देखना, ये बैटल पूरा देखना। मैं जैसे ही बैटल खत्म होगा तो मैं दिखाऊंगा कि इसका टोटल डैमेज कितना है, और तुम शॉक हो जाओगे। देखो ये अभी कितना डैमेज दे रही है, 23K, तो इसके लिए नॉर्मल है। 30-40K का ये डैमेज दे रही है इजी इजी। अब देखना जैसे ही मैं बैटल में जाऊंगा तो ये कितना डैमेज देगी, मतलब जब मैं वापस से पीछे जाऊंगा और मैं तुम्हें डैमेज दिखाने जाऊंगा इसका ओरिजिनल। तो ये सिंपली रेडियस टाइप डैमेज देती है, देख रहे हो, देख रहे हो, इससे तिरंगे निकली और देन ये जाके ना ब्लास्ट हो जाती है। और ब्लास्ट का डैमेज भी है इसका, यस इसका ब्लास्ट का डैमेज भी है। तुमने अभी देखा ना, ब्लास्ट हुआ तो डैमेज लगा, या इसका ब्लास्ट का डैमेज है। सिंपली ये रेडियस टाइप है। अगर ये जरूरी नहीं है कि बंदे को गोली हिट हो, अगर बंदे की गोली पास से भी जाती है, देखा पास से गई लेकिन उसे डैमेज हुआ, उसको डैमेज हुआ, उसको दर्द हुआ। तो या जरूरी नहीं है कि तुम अपने टारगेट को हिट करो, लेकिन इसकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें सिर्फ वन शॉट है। देख रहे हो, देख रहे हो, उसके पास से होते हुए गई, उसके पास से होते हुए। भाई साहब इस वेपन की, ये वेपन मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसकी प्रॉब्लम पर बात करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि कई बार भयंकर अच्छे से काम नहीं कर पा रही, कुछ टाइम, कई बार नहीं कुछ टाइम ही अच्छे से काम नहीं कर पा रही। अभी तुमने देखा उसकी क्या हालत हुई, देखना देखना देखना, ये देखो ना रेडियस बेटे। इसका रिलोडिंग टाइम मुझे अच्छा लगा कि बहुत जल्दी रिलोड हो जा रही है, ज़्यादा टाइम नहीं ले रिलोड होने में। और ये वेपन ना लिजिटली मिड गेम प्लेयर्स के लिए बहुत बढ़िया है। लाइक जो मिड प्लेयर्स हैं ना, जिनने अभी भी गेम शुरू किया है, जो कि गेम के बीच में हैं, उनके लिए वेपन बहुत तगड़ी है। एंड एक खुशखबरी है, ये शील्ड को पूरी तरीके से तोड़ नहीं पाती। अगर शील्ड पे ये डायरेक्ट हिट करे, जैसे कि अपनी शील्ड खोल ब्रदर प्लीज़, क्यों सिंपली अगर ये अपनी शील्ड खोलता है और मैं इस पर सीधा फायर करता हूँ, तो सिर्फ इसकी शील्ड टूटेगी, वरना तो रेडियस डैमेज और ले 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 तेरे को, तो मरने वाला। देखना मैं अभी इसको ब्लास्ट से मारूंगा, बिल्कुल क्लोज। देखा, इसका ब्लास्ट का डैमेज उतना नहीं है जितना इसका रेडियस का डैमेज है। इसका रेडियस का डैमेज बहुत ज़्यादा है, लाइक देखो अभी देखना। अरे यार मैं गलत जगह मार दिया, इसको प्रोटेक्ट करना होगा, मुझे इसे प्रोटेक्ट करना होगा, वरना ये मर जाए। देखो देखो ये देखो ये देखो, देखा मैंने उसके बगल से चलाई और उसको डैमेज हुआ। तो यार ये वेपन बहुत तगड़ी है। एंड मैं जरा अभी तुम्हें इसे स्पेक्स दिखाता हूँ अच्छे से, ओके। एंड अगर तुम उस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो यार, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है जब तुम वीडियोज़ को लाइक करते हो। एंड मेरे ओट का दर्द अचानक से कम हो गया, तो लेट्स गो भाई। मेरी जीप पे भी छाले पड़ गए लिजिटली। प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना अगर तुम्हारे पास कोई नुस्खा है जिससे मैं ये ठीक हो सकूँ जल्दी। भाई मेरे लिजिटली छाले पड़ गए हैं, इसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा, तो प्लीज़ कमेंट में बताना यार प्लीज़, ओके। तो भाई देखते हैं डिसरप्टर सिक्स। सिंपली इसकी पर मैगजीन का डैमेज देखो, 7800। मैं क्या बोल रहा था, तुम लोग हैरान हो गए, लिजिटली 7800 इसका डैमेज है। लेकिन तुमने देखा ना कितना डैमेज दे रही है, 35,000, होली शिट। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने लेजेंडरी पैलेट लगा रखा है, ओके। एंड इसके इम्प्लांट्स, और देन आता है इसका फायर रेट, हम जानते हैं ऑलरेडी। मैगजीन इसकी सिर्फ एक गोली है, रिलोड स्पीड 5.5, मैंने वो लगा रखा है रिलोडिंग का शायद। एंड इसका ऑप्टिमल रेंज है 0 to 91 meters, एंड मैक्स रेंज है 91 meters। और देखो जैसे EM राइफल नहीं होती कि ज़्यादा रेंज होगी तो ज़्यादा डैमेज देगी, कम रेंज होगी तो कम, इसका वैसा कुछ नहीं है उतना। देन आता है इसका प्रोजेक्टाइल स्पीड, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ये स्लो है,
देन शॉर्ट डिले, इससे तुम्हें उतना मतलब नहीं है बिकॉज इसमें 0.5 सेकेंड है, 1 सेकेंड मिनी से जीरो। जैसे मिनी गन नहीं होती वो धीरे धीरे स्टार्ट होकर चलती है तो वो होता है डिले, तो इसका डिले भयंकर सिर्फ 1 सेकेंड का आधा है। देन इसका डैमेज रेडियस है 7 मीटर, 7 मीटर, और अगर इसका रेडियस आए, रेंज रेडियस ये सब आ गया तो ये बवाड़ मचा देगी। पाथ डैमेज रेडियस मतलब कि जब ये चल रही होगी तब उसके साइड में जितने भी होंगे तो 7 मीटर, जो कि अच्छा है। एंड अगर इसका रेडियस आया तो और भी, पाथ शील्ड बाईपास मतलब अगर शील्ड वाला मैक हुआ कोई तो वो 10%। ओके तो भाई ये वेपन ओवरऑल मुझे बहुत तगड़ी लगी, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन लगा ये गेम के लिए, एंड आई लाइक इट, आई लाइक दिस वेपन, मुझे लिजिटली वेपन बहुत अच्छा लगा। ओके भयंकर, ओके सो ये वेपन मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, एंड मैं चाहता हूँ कि भयंकर ऐसे वेपन, अबे यार 3 मैक्स स्लॉट में रखने होंगे, तुम भी मजाक कर रहे हो यार, ये लो यार, तुम भी क्या याद करोगे, तुम भी क्या याद करोगे, तुम भी क्या याद करोगे भयंकर, 5 मैक 5v5 लेट्स गो। ओके गाइस मुझे कमेंट में बताना मत भूलना कि तुम्हें ये वेपन आखिर कैसा लगा यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लाइक लिजिटली जेन्युइनली मुझे ये वेपन अच्छा लगा। मैं कहना ने काफ़ी टाइम के बाद कुछ अच्छे वेपन डाले, लाइक फ्रेगमेंट गन अच्छी है बट उतना बड़ा वो क्रिएट नहीं कर पाई सीन आज तक। मैं कहना के अंदर सिर्फ कुछ ही ऐसे वेपन हैं जिनने बहुत बड़ा धमाका क्रिएट किया है, लाइक आते ही लोग बावड़े हो गए, जैसे कि हो गया हमारा डिस्क लॉन्चर, डिस्क लॉन्चर ने आते ही बवाल मचा दिया था, मिसाइल रैक ने आते ही बवाल मचाया था बिकॉज मिसाइल रैक को सब यूज़ करते थे। ओके EM राइफल्स, तो ये वैसे वेपन है जो कि मैकेना के अंदर जब आए थे ना तो बवाल मच गया था, लोग इन्हें चाहते थे लेना। तो या अभी तो फिलहाल मिसाइल रैक का ट्रेंड कम हो गया है और रेल गन्स का, लेकिन EM राइफल का ट्रेंड भी अब थोड़ा कम हुआ है। ओके भाई रेडियस, रेडियस पड़ रहा है भयंकर रेडियस, पता है टेस्ट सर्वर के अंदर ना ऐसी चीज़ों से खेलना ना बहुत मुश्किल होता है, और तुम सोचते हो क्यों भाई तेरे पास तो सब कुछ है, भाई प्रॉब्लम ये है टेस्ट सर्वर के अंदर ना बहुत जो बॉट्स हैं ना वो बहुत जल्दी जल्दी ना पावरफुल होते हैं, लाइक सीरियसली कंपेयर टू नॉर्मल सर्वर, अबे यार पागल हो क्या तुम, वो मिसाइल रैक चला, मैं बोल तो रहा हूँ टेस्ट सर्वर के जो बॉट्स होते हैं ना गाइज ये ना बहुत जल्दी मैक्स आउट हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी पावरफुल हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए ना मैं टेस्ट सर्वर पर उतनी वीडियोज़ नहीं बनाता, मैं कोशिश करता हूँ नॉर्मल सर्वर पर रहूँ, यहाँ के बॉट्स के साथ अगर तुम 3 मैचेस खेल लोगे ना तेजी नाल ली तो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। ओके 1 सेकंड देना गाइस, गाइस तो एक्चुअली घर पे मम्मी जी आई हैं तो उसकी वजह से हुआ कि मेरे को गेट खोलने जाना पड़ा, मेरा मैक तबाह हो गया यार, क्या यार सिस्टम मुझे अच्छा थोड़ा ना लगता है। ओके तो भाई अरे बॉट्स क्या करना चाह रहे हो तुम, तू क्या करना चाह रहा है ज़िंदगी से, पागल वागल है क्या, नहीं पागल वागल है तो बता दे यार, मैं तेरा इलाज कर दूंगा फ्री में। ओके बैटल ख़त्म होता है, अब हम लोग फिर से अपना वही मैच चुनेंगे और क्या ही कर सकते हैं, हाँ लेट्स गो इक्लिप्स फिर से करते हैं, चलते हैं भयंकर चड्डे पड्डे भाई, प्रॉब्लम अगर देखो मस्त आ जाए कि अगर बंदा ओहो सामने से आ रहा है बकरा, मारो मारो मारो, वॉच यार 1 HP कर्स यार, वॉच उसने उतनी दूर से इतनी यहाँ तक यार, ये बुलेट वालों की आलो कंट्रोल, आई नो तू आलो बड़ा हो रहा है, तू मैच्योर हो रहा है, तू गालियाँ देना चाहता है लेकिन नहीं, तुझे फैमिली फ्रेंडली रहना होगा भयंकर, हाँ बुलेट वालों की ऐसी की तैसी, अच्छी लगती है मुझे बुलेट बट ये बिन बात के फटफट फटफट करने वाले लोग सुअर लगते हैं मुझे। ओके और वो वही है मेरे बाहर कोई खड़ा, लेट्स गो आगे बढ़ भाई आगे 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 इधर, हेलो सर, भाई यार क्लोज रेंज में डैमेज नहीं है यार इसका, मतलब डैमेज है लेकिन वो ना रेडियस नहीं पड़ पाता अच्छे से क्लोज रेंज में, भाई देखना देखना भाई इसकी रेंज इसका तगड़ा यार मुझे, भाई तू मेरा टीममेट है ना पक्का, तू मेरे सामने क्यों आ रहा है फिर, टीममेट है ना तो पक्का मेरा, या फिर कुछ अलग ही पैसे वैसे लेकर आया तू, एनिमी टीम से पैसे वैसे लिए तूने, मैं तो कह रहा हूँ पैसे वैसे, अरे यार क्या लकी बास्टर्ड, इसकी प्रोजेक्टाइल स्पीड ना बहुत स्लो है यार, थोड़ी सी फास्ट कर देनी थी, थोड़ी सी बच्चे खुश हो जाते हैं यार थोड़ी सी खुश, ओ भाई साहब, भाई इससे तो डबल केव लेने में मजा है भाई, इसकी देखना भाई कल लग गई वेपन को पहुँचने में, कल लग गया वेपन को पहुँचने में भाई, कल लग गया भाई, परसों हो गया वेपन गोलियाँ पहुँची ही नहीं, परसों हो गया भाई साहब, परसों हो गया लेकिन वेपन नहीं पहुँचा अभी तक, वेपन नहीं पहुँचा, वेपन कब पहुँचेगा, आज पहुँचेगा भाई साहब, मुंह में खड़ा हूँ मैं अब उनके, मार दे वेरी गुड भाई, मार दिया रे, उसको भी डैमेज लग गया, लॉल भाई गजब बेच दी यार, बहुत तगड़ा है यार ये तगड़ा है यार, ये तगड़ा है यार, तगड़ा मामला है ये, देखना क्या डैमेज ही डैमेज भाई, क्या ही डैमेज यार, तू पागल है क्या भाई, तू थोड़ा बड़ा वाला पागल है क्या, नहीं बता दे मुझे, नहीं पागल वागल है क्या, नहीं मेरे सामने क्यों शील्ड लगा रहा है, पिटेगा भी तू बेटा, रैपट ही रैपट खाओगे तुम।
ओके सो गाइस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय या